नमस्कार, आप देख रहे हैं यमुना मिशन समाचार। करते हैं शुरुआत श्री यमुना जी की मंगला आरती के साथ। कल से आरंभ हुई वर्षा ने प्रकृति को एक बार फिर आनंद से सराबोर कर दिया है और इस बारिश से वृक्ष पुनः एक बार फिर लहलहा उठे। मौसम कैसा भी हो, लेकिन यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं के कदम कभी नहीं रुकते। यमुना मिशन के कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से यमुना जी के विभिन्न घाटों पर और द्वारकाधीश मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी नित्य प्रति सफाई जारी है। कल यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी ने तुलसी वन क्षेत्र का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश भी दिए। इन दिनों सूर श्याम चंद्र सरोवर में चल रहा है 15वां गौ आराधना महोत्सव। आइए आपको दिखाते हैं इस महोत्सव की कुछ झलकियां। श्री गिरिराज गोवर्धन की उपत्यका में अवस्थित महाराजस्थली चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गोष्ठ के इस पवित्र परिसर में पूज्य बाबा महाराज की एवं महाप्रभु जी गुसाई जी गुरुदेव भगवान आदि की भावमयी सन्निधि में पूज्य परमहंसी महाराज, पूज्य अनंत दास जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत के क्रमिक प्रवचन के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त। और आइए अब सुनते हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी के यमुना मिशन के संदर्भ में विचार। किसी ग्रंथ में, किसी श्रीमद् भागवत में, किसी भी उसमें पढ़ते हैं और सुनते हैं तो ये पता चलता है कि यमुना जी का सौंदर्य कैसा था। उस सौंदर्य को वापस लाने के लिए हमारे बंसल परिवार ने, जिन पर संतों की असीम कृपा है, उन्होंने और जो यमुना भक्त हैं उनके द्वारा जो ये सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, ये कल्पना से परे लगता है। इतने अल्प समय में, केवल 6 साल में, इन्होंने कम से कम लगभग 15 किलोमीटर के बीच में इतना सुंदर और भव्य वृक्षारोपण, यहाँ इनके घाटों की स्थापना, यमुना आरती इतना भव्य किया है कि ऐसा लगता है एक यमुना जी के पुनरुद्धार के लिए, यमुना जी के सौंदर्यीकरण के लिए शायद बंसल परिवार ने इसीलिए जन्म लिया है। यमुना मिशन के द्वारा ब्रजमंडल में विभिन्न क्षेत्रों पर बच्चों के लिए लगाए गए हैं झूले, जिन पर झूलकर बच्चे आनंदित हो रहे हैं।
आज गीता मनीषी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी के परम सानिध्य में श्री कृष्ण प्रभाधाम में शरद महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर काशनिक पीठाधीश्वर महान मंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज जी एवं मलूक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज जी का शुभ आगमन हुआ तथा पूज्य संतों की अमृतमयी वाणी के सत्संग का प्रसाद पाकर भक्त धन्य हो गए। इस अवसर पर यमुना मिशन के संस्थापक श्री प्रदीप बंसल जी भी उपस्थित रहे। और आइए अब आपको कराते हैं श्री यमुना जी के संध्या आरती दर्शन। और आइए अब आपको जानकारी दिए देते हैं कल के तापमान के संदर्भ में। कल का न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। आसमान साफ रहेगा, कुछ जगह आसमान में बादल छाए रहेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। अगले अंक में आपसे पूरी भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।